ये क्या महाराज की तरह रहते थे अब ऐसे क्यों हो गए? मेरा दिल भर आया। अरे अब चुप हो जाओ, ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ सर? इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। चाहो तो थोड़ी सी चिंता और मोल ले लो। तुम कोई चिंता मत करो मेरी। सर प्लीज सर, इन होटल वालों को हमारे बारे में बताकर हमारी जिंदगी बर्बाद मत करना सर। चाहो तो थोड़ा कमीशन ले लो। कमीशन या गिफ्ट? कुछ नहीं चाहिए मुझे। गेट आउट, गेट आउट। Don't get into trouble with your teacher. Behave properly. Good morning, sir. आप अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम करते हैं ना पवन कुमार जी? हाँ बेटी, तुम कौन हो? मैं प्रकाश की सिस्टर हूँ। कुछ याद आया? Yeah, I remember. तुम्हें वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी। बिल्कुल सर, 6 महीने हो गए ट्राई करते हुए। फर्दर स्टडीज के वास्ते मैं US जाने की सोच रही हूँ। अब तक 2 बार रिजेक्ट हो गया है सर। सर प्लीज इस बार कुछ कर दीजिए ना। यू डोंट वरी, मैं अपने वीजा ऑफिसर से बात करके 2 घंटे में फोन करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब दिखाओ। गुड, नाइस इंप्रूवमेंट। अब तुम सीटी बजाना सीखो। ये क्या है? क्या सिखा रहे हो तुम? सीटी कैसे मारते हैं सिखा रहा हूँ। सीटी दूंगी एक तो थोपड़ा बिगड़ जाएगा। बदमाश, सीटी मारना बिल्कुल गलत नहीं, मेरे चाचू भी मारते हैं। तुम्हारे चाचू? वो एक बड़ा बॉस और तुम उसके चमचे। एक दूंगी ना, आइंदा कभी तुझे ऐसे करते देखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। तुम चलो। सुनो, वैसे तुम्हारा चाचू समझता क्या है उसको बता देना। मैं देखने में ऐसी हूँ लेकिन बड़ी खतरनाक लड़की हूँ। अगर मुझसे उलझेगा तो उठवा दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी कहो मगर चाचू को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो मैं क्या कर लेगा तू? क्या करेगा बोला? उसको बताएगा? जा बता दे उसको। दो सींग लगे हैं जो मारेगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी। पता नहीं अपने चाचू को क्या समझता है। रुको रुको, मैं चाचू को बुलाता हूँ। उसका नाम लिया तूने? ओए, रुको। चाचू। क्या हुआ? हमारी फैमिली के बारे में बुरा भला बोल रही थी चाचू। मैंने तेरी फैमिली के बारे में थोड़ी ही बुरा कहा। तुमने मेरे चाचू के 2 सिंग लगे बोला था। चाचू से तो ज्यादा ये लफंगा लगता है। चाचू, अगर कोई लड़की मुझे इस तरह कहती तो मैं अब तक पता नहीं क्या कर बैठता। बहुत उल्टा सीधा बोला। क्या गालियां भी दी तुम्हें चाचू? अच्छा। हाँ। ए, इधर आ। ओए, क्या? क्यों डाटा इसको? ये सीटी बजाना सिखा रहा था लिली को। ठीक है तो टीचर को कंप्लेंट करो या मुझे बताओ। लेकिन गालियां क्यों दी तुमने उसको? इसने दारू तो नहीं पिलाई या बीड़ी सिगरेट पीना तो नहीं सिखाया? ऐसा क्या कर दिया इसने? सीटी बजाना सिखाया चाचू। बस सीटी बजाना सिखा ना, इसके लिए तुम उसकी आंखें तोड़ दोगी, हाथ पर तोड़ दोगी। हाँ सिंग सिंग, मेरे 2 बड़े-बड़े सिंग है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? उन सिंग से मैंने तुम्हें कभी मारा? टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यू आर टॉकिंग टू मच। हे, यू आर टॉकिंग टू मच। गो बैक। ओके, आई एम गोइंग बैक, यू आर कमिंग फॉरवर्ड। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई विल कॉल द पुलिस। ओके, यू कॉल द पुलिस, आई विल आल्सो कॉल द पुलिस। हेलो। या हेलो वुमन पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो जेंट्स पुलिस स्टेशन। यू, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रुको भाई, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ मैडम? तुम समझ जाना, मैं कह रही हूं तेरा तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे रुको, तोड़ोगे मेरा मुंह तोड़ोगे तुम? मैडम रुकिए, चलिए फिर से क्या बात कर रहा हूं मैं? आप लोग यू आर टॉकिंग टू मच। झगड़ा क्यों? हेलो एजेंट, अरे नीचे, अरे मैडम देखिए, मैं वुमन पुलिस स्टेशन। देखो भाई मोबाइल मुझे दो। देखो पुलिस का स्कूल में आना ठीक नहीं है, झगड़ा बंद करो। ये क्या कर रहे थे? देखो भाई, हमारे स्कूल की प्रेस्टीज मिट्टी में मिल जाएगी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। जाइए, ये लीजिए अपना मोबाइल, जाओ 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 जाओ। ना 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 ना, जाइए 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 जाइए। अरे चले जाओ वरना मेरा बीपी बढ़ जाएगा। सर हाँ, बहुत बड़ी गलती होगी। क्या? सेलफोन्स को बदल के दे दिया आपने। गुंडा, रास्कल, इडियट। हेलो, देखो भाई मैं मोचन बोल रहा हूँ भाई, शाम को तुम होटल में आ जाना, ठीक है भाई? रेट वगैरह सब ओके है, तेरी सर्विस बढ़िया होगी तो और ज्यादा दिलाऊंगा, ठीक है? What? तुम कौन हो? वाइफ हो? बालू की? Keep your manners.
ओ कीप हो तुम अच्छा डर्टी रास्कल पागलों जैसी बातें करोगे तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा कौन हो तुम बालू कहाँ है बालू को फोन दो बालू ये अब मजा चखाती हूँ ए मैं बालू की वाइफ बोल रही हूँ बालू से क्या काम है तुम्हें जानवर बुड्ढू बेवकूफ पागल रोकर उल्लू के गुड इवनिंग जहांपना भाई रुक जाओ जहांपना अपना नंबर मुझे दिया और फोन अपनी बीबी को देकर मुझे गालियां सुनवाते हो जब से होश संभाला मैंने इतनी गालियां आज तक कभी नहीं सुनी जहांपना मुझे देखो मेरा मूड बदलते देर नहीं लगती किसी वक्त में तुम्हारा मर्डर कर दूंगा जहांपना मेरी बात तो सुनो जहांपना मत बोलो मेरा फोन मेरे पास है जहांपना वैसे उसने क्या कहा हाँ हाँ बेटी श्वेता मैंने तुम्हारे लिए वीजा के बारे में बात कर ली है काफी मुश्किल से ऑफिसर को मनाया है मैंने बड़ा आया वीजा दिलवाने वाला दलाल कहीं का बस कोई लड़की ने प्यार से दो लफ्ज बोले पिघल गया तुम कौन हो तुम श्वेता कहाँ है हाँ होगी वो कहीं पर तुझे क्या लेना देना वीजा के ब्रोकर तूने कभी एम्बेसी के ऑफिस से बाहर जाकर देखा है कितने मेहनती स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर भूखों पेट घंटों वेट करते हैं वहाँ पर लड़की के बोलने पर फौरन इंटरेस्ट ले लिया मुझे तो तेरी नियत पर शक हो रहा है छी खड़ोस कहीं का ए, ऐसे क्यों बोलते हो इज्जत से बात करो तुझको मैं इज्जत दूं बे चिंपांजी जुमांजी वीजा दलाल गंदी नाली के कीड़े उल्लू की तुम पागल कुत्ते मे आई कम इन सर सर क्या मेरा वीजा रेडी हो गया आपने फोन क्यों नहीं किया इस जन्म में ही नहीं बेटी किसी जन्म में भी तुम अमेरिका में पैर तक नहीं रख सकोगी मैं देखूंगा Get out! क्या बेबी मजा आया ना वीजा कभी नहीं मिलेगा उस खड़ूस ने कहा हमसे पंगे लेते हो इतना घमंड है तुझे मैं कहता हूँ मेरा फोन वापस कर दे वरना जिंदगी में और बहुत डांट और फटकार खानी पड़ेगी बालू 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 ठीक है मेरा फोन ला लेती हूँ कहाँ है मेरा फोन कहाँ है अरे घूरते क्या हो यही तुम्हारा फोन है मेरा फोन भी इसी तरह बर्बाद कर दिया होगा कोई बात नहीं मैं ऐसे 100 फोन खरीद सकती हूँ एक्सक्यूज मी जीवन में किसी चीज को खराब करना बहुत आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है जिस चीज को आप बना नहीं सकते उसे खराब करने का आपको हक नहीं समझ लीजिए ये आपका सेल फोन गुड बाय ओए क्यों मेरे बारे में सोचते हुए सेलफोन से कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही हो नहीं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ भैया अरे यहाँ क्यों बैठो मम्मी शाम से ही मंदिर गई हुई है अभी तक वापस नहीं आई मैंने माँ से बाहर जाने के लिए मना किया था फिर क्यों गई शांति
अरे ये क्या, सब लोग अचानक यहाँ? पुरखों से आपकी जमीन पर हम काम करते आए हैं साहब। तब आपके दादाओं ने महाकाली की जमीन हमें दान में दी थी, आपकी मेहरबानी से हम रोजी रोटी कमा रहे हैं। जानता हूँ, ये सब क्यों बोल रहे हो? उसके कागजात नहीं है और ये बात किसी तरह ठाकुर बाबा को पता चल गई और वो उस जगह को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये तो अन्याय है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वैसे पुलिस कानून कुछ है कि नहीं है? पर कोई फायदा नहीं साहब, यहाँ उसकी बहुत पहुँच है। उस जगह के मालिक आप हैं, इसलिए आप अगर हमारा साथ देंगे तो ही हमें न्याय मिलेगा। भाइयों चिंता मत करो, उस जमीन के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जल्दी ही तुम सबके नाम पे रजिस्टर करवा दूंगा। हजारों साल जिए आप, भगवान आपको खुश रखे। डैडी, वो ठाकुर बाबा खतरनाक गुंडा है, आप उसके मामले में दखल मत दीजिए। उसने हमारे मामले में दखल दिया है। असल में ये सब लोग कौन है जानते हो? ये पुरखों से हमारे लिए खून पसीना बहाते आए हैं, इनका सुख दुख हमें देखना होगा। आप अभी भी उन पुराने ख्यालों में ही जी रहे हैं। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तभी सबको खाना मिलता है, वैसे इस घर को छोड़कर बचा क्या है हमारे पास? इसका असली कारण आप ही तो हैं। चुप कर, तेरी कमाई से हम लोग जी रहे हैं तभी तुझमें इतनी हिम्मत आ गई जो ऐसा बोल रहा है तू। ये बात नहीं माँ, उस ठाकुर बाबा से लफड़ा मोड़ ना ले तभी ऐसा बोला। जब हम पे कोई मुसीबत आएगी तो कौन देखभाल करेगा हमारी? कोई बात नहीं, मगर तेरे पिताजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सुनिए, उसने अनजाने में ऐसा बोल दिया, आप जो भी करना चाहें बेझिझक कीजिए। वकील साहब, ये रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना होगा, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे ओ वकील। हा? आज तक महाकाली मार्केट के डॉक्यूमेंट्स खो गए सोच के बड़ा परेशान था मैं, लेकिन आज जब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है इस बात का पता चला तो तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हूं। कोई भी हो लीगली काम करता है तो मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम लिख दो, मैं जो पैसा दूंगा उसे लेकर चले जाओ। तुम बेवजह इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो। महाकाली मार्केट, वहां पर काम कर रहे मजदूरों के नाम रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, ये मैंने वादा किया था। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं तुमको पैसा भी नहीं दूंगा और डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत भी लूंगा। अच्छा, मुझे धमकी देते हो? तुम जितना भी सर मार लो लेकिन ये महाकाली मार्केट तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर एक काम करो, तुम महाकाली मार्केट, तुम्हारा घर वगैरह सब कुछ मेरे नाम कर दो। चुप रहो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे। ओ, वो क्यों तड़प रहा है तुम जानते हो? उसे दर्द हो रहा है, उस दर्द से ज्यादा जब वो मरेगा तो तुझे कितना दर्द होगा सोच लो। क्या तुम सह पाओगे? बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ दो। तुमने बहुत जल्दी दस्तखत कर दिए, बढ़िया है। कल को भूल के तुम कोर्ट केस वगैरह कह के बदल गए थे। राजेश्वरी देवी जी, मैं वकील विश्वनाथ बोल रहा हूँ। आपके पति देव और बेटे को मारकर अब वो आपके घर की तरफ आ रहे हैं, तुरंत बच्चों को लेकर शहर छोड़ दीजिए। माँ, मैं हूं। नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट माइल्ड अटैक। इससे पहले इनको कभी अटैक आया था क्या? नो डॉक्टर, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है? थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वैसे एंजियोग्राफी करके देखते हैं। ओके, ठीक है डॉक्टर।